आज भारत के एनर्जी सेक्टर में इसके दिग्गज तो हैं ही, उनके साथ ऐसे प्लेयर्स इन्वॉल्व होने जा रहे हैं जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ऐसे बिजनेसमैन की वजह से ही भारत एनर्जी सेक्टर के बड़े मिशन को लेकर चल रहा है और अरब देशों से अपनी इम्पोर्ट डिपेंडेंसी कम कर रहा है। आजादी के 100 साल पूरे होने पर भारत एनर्जी इंडिपेंडेंट के लक्ष्य की ओर चल पड़ा है, यानी कि 2047 तक भारत एनर्जी सेक्टर में 100% एनर्जी इंडिपेंडेंसी का सपना देख रहा है, जिसमें प्राइवेट कंपनीज भी कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं। भारत के एनर्जी सेक्टर के दिग्गज अडानी और अंबानी सहित 99,800 मेगावाट की ग्रीन एनर्जी के प्रोजेक्ट्स गुजरात में शुरू होने जा रहे हैं और साथ ही पंजाब के अल्कोहल मैन्युफैक्चरर भी एनर्जी सेक्टर में कूद रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम एनर्जी की दो बड़ी खबरें आप तक पहुंचाएंगे। आगे बढ़ते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचे। पंजाब के जगजीत इंडस्ट्रीज इथेनॉल प्रोडक्शन प्लांट का सेटअप करने जा रहे हैं, जिसमें वो 210 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करेंगे और स्टार्टिंग में इस प्लांट की कैपेसिटी 200 किलोलीटर की बताई जा रही है। इथेनॉल प्रोडक्शन में आज अमेरिका सबसे आगे है। 2022 तक अकेले अमेरिका करीब 15.4 बिलियन गैलन इथेनॉल प्रोड्यूस कर रहा था। अमेरिका और ब्राजील मिलाकर पूरी दुनिया का 82% इथेनॉल प्रोड्यूस करते हैं। आपको बता दें कि अमेरिका में इथेनॉल अधिकतर मक्की से प्रोड्यूस की जाती है, जबकि ब्राजील गन्ने के इस्तेमाल से अधिकतर इथेनॉल प्रोड्यूस करता है। आज भारत चाहे ग्रीन एनर्जी सेक्टर में इन देशों से काफी पीछे रह गया है, लेकिन सरकार और प्राइवेट सेक्टर बड़े जोश से स्पीड पकड़ रहे हैं। पंजाब में जगजीत इंडस्ट्रीज इस नए प्लांट में ग्रीन एथेनॉल की प्रोडक्शन करेंगे, जिसमें ज्वार, मक्के और बाजरा की मदद से एथेनॉल प्रोड्यूस की जाएगी। इस नए प्लांट की शुरुआत के लिए कंपनी को मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट से ऑलरेडी लाइसेंस मिल चुका है। अब कंपनी 25 एकड़ जमीन पर ग्रीन एथेनॉल प्लांट को बनाना शुरू करेगी और कहा जा रहा है कि यह प्लांट जून 2024 तक ऑपरेशनल हो जाएगा। कंपनी का कहना है कि इस प्लांट से प्रोड्यूस्ड इथेनॉल को देश की अलग अलग स्टेट्स में ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को भेजा जाएगा। 1944 से यह कंपनी अल्कोहलिक बेवरेजेस की मैन्युफैक्चरिंग कर रही थी। देश में ग्रीन एनर्जीज की बढ़ती डिमांड को देखकर अब एनर्जी सेक्टर में कूदने जा रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इथेनॉल का इस्तेमाल फ्लैक्स फ्यूल में किया जाता है। फ्लैक्स फ्यूल असल में गैसोलीन में एथेनॉल के ब्लेंड को कहा जाता है। पेट्रोल की कुछ मात्रा को एथेनॉल से रिप्लेस करके हम फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि यह फ्लैक्स फ्यूल रेगुलर पेट्रोल से सस्ता होता है और जैसे कि इथेनॉल भारत के अंदर प्रोड्यूस किया जाता है तो ओपेक से ऑयल डिपेंडेंसी पर सीधा असर होगा और इथेनॉल गैसोलीन के बदले कार्बन एमिशन भी कम करता है। भारत में पिछले साल 10.02% इथेनॉल को पेट्रोल में ब्लेंड किया गया था और सरकार का टारगेट है कि 2025 तक 20% एथेनॉल पेट्रोल का ब्लेंड यूज किया जाएगा। तो अगर आप फ्यूचर में व्हीकल लेने का प्लान कर रहे हो तो फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि अमेरिका, यूरोप और ब्राजील देशों में फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल्स ऑलरेडी चल रहे हैं। भारत में ग्रीन एनर्जी की लहर के साथ फ्यूचर में फ्लैक्स फ्यूल इंजन की मैन्युफैक्चरिंग में भी तेजी देखी जाएगी। भारत की दो स्टेट्स कर्नाटक और गुजरात क्लीन एनर्जी को सबसे तेज अडॉप्ट करने वाली स्टेट्स हैं। गुजरात में कच्छ और बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट में 5 सबसे बड़े प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहे हैं, जिसके लिए अडानी ग्रुप्स और अंबानी की रिलायंस सहित 5 कंपनियों को 4.91 लाख एकड़ जमीन अलॉट की गई है। भारत सरकार ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन को एनकरेज करते हुए इंसेंटिव पॉलिसीज भी निकाल रही है। आपको बता दें कि इस बड़े प्रोजेक्ट से गुजरात में 99,800 मेगावाट की ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस की जाएगी, जिसमें कुल 39.95 लाख मैट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाएगा। गुजरात सरकार ने शुरू हो रहे इस प्रोजेक्ट में रिलायंस न्यू एनर्जी लिमिटेड को 1,84,711 एकड़ और अडानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड को 2,08,769 एकड़ जमीन अलॉट की है। इनके अलावा टोरेंट पावर लिमिटेड को 44,478 एकड़, आर्सलर मित्तर निपोन लिमिटेड इंडिया को 35,565 एकड़, वेल्सपन ग्रुप को 19,768 एकड़ जमीन अलॉट की गई है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग शुरुआत में इन 5 कंपनियों से सरकार 2998 करोड़ की सिक्योरिटी डिपॉजिट लेगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज इस लैंड पर धीरूभाई अंबानी ग्रीन एनर्जी गीगा कॉम्प्लेक्स बनाएगी, जिसे बनाने में कुल 60,000 करोड़ का खर्चा बताया जा रहा है। इस मेगा प्रोजेक्ट में रिलायंस 4 गीगा फैक्ट्रीज का हब सेटअप करेगी, जिनमें से एक सोलर सेल की मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंटीग्रेटेड सोलर पीवी मॉड्यूल फैक्ट्री बनेगी, फिर इंटरमिटेंट एनर्जी की स्टोरेज के लिए एडवांस्ड एनर्जी स्टोरेज बैटरी फैक्ट्री बनाई जाएगी। इसके साथ ही ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए इलेक्ट्रोलाइजर फैक्ट्री होगी और फिर फ्यूल सेल फैक्ट्री में हाइड्रोजन को मोटिव और स्टेशनरी पावर में जनरेट किया जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि ग्रीन एनर्जीज को लेकर इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स क्यों की जा रही हैं। ग्रीन एनर्जीज प्रोडक्शन को भारत में बढ़ावा देने के पीछे बहुत से बेनिफिट छुपे हैं।
सबसे बड़ा बेनिफिट जो हम हमेशा आपसे शेयर करते हैं, अगर ग्रीन एथेनॉल या हाइड्रोजन की फ्यूचर में पेट्रोल से 100% रिप्लेसमेंट हो जाए तो हो सकता है कि भारत की ओपेक देशों से डिपेंडेंसी कम हो जाए, जिससे हर साल बिलियन डॉलर्स बचाए जाएंगे, जिनसे अमेरिका जैसे देशों की तरह भारत भी एजुकेशन, हेल्थ केयर और इंफ्रास्ट्रक्चर के फ्री रिसोर्सेज देशवासियों को दे पाएगा। आपको बता दें कि ऑक्योर एनर्जी इंडिया गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया प्लांट का सेटअप करेगी। इस प्रोजेक्ट से कंपनी 1 मिलियन टन पर एनम ग्रीन हाइड्रोजन और अमोनिया प्रोड्यूस करेगी और कंपनी द्वारा इस प्रोजेक्ट की लागत लगभग 40,000 करोड़ बताई जा रही है। मित्तल निपॉन स्टील्स भारत की जानी मानी स्टील इंडस्ट्रीज में से है। निपॉन कंपनी सूरत डिस्ट्रिक्ट में सुवाली में ग्रीन स्टील प्रोजेक्ट को शुरू करने जा रही है और कंपनी द्वारा इसकी कॉस्ट लगभग 30,000 करोड़ के करीब बताई जा रही है। अडानी ग्रुप्स ऑलरेडी एनर्जी सेक्टर के बड़े दिग्गज हैं। अब गुजरात में कंपनी ग्रीन हाइड्रोजन जनरेशन प्लांट सेटअप करने के लिए सूरत से जुड़ गई है, जिसकी कैपेसिटी 1 मिलियन टन पर एनम बताई जा रही है। आपको बता दें कि रिलायंस ग्रुप्स ने इस बड़े गीगा कॉम्प्लेक्स सेटअप के अलावा गुजरात सरकार के साथ एक और कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जिसमें इलेक्ट्रोलाइजर्स की मैन्युफैक्चरिंग के साथ रिन्यूएबल एनर्जी पार्क और ग्रीन हाइड्रोजन पार्क सेटअप करने का एग्रीमेंट साइन हुआ है। रिलायंस ग्रुप्स इस प्रोजेक्ट से लगभग 100 गीगावाट की एनर्जी प्रोड्यूस करेगा और रिलायंस द्वारा 5.6 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट करने की खबर सामने आ रही है। भारत में ग्रीन एनर्जी को लेकर काफी बड़े लेवल पर ऑलरेडी शुरुआत हो चुकी है, हालांकि बंगाल और बिहार स्टेट्स अभी भी इस सेक्टर में पीछे चल रहे हैं। पर अब देखना है कि सरकार की बनाई इस सेक्टर में नीतियां और प्राइवेट कंपनीज का एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ भारत में मेगा प्रोजेक्ट शुरू करना कितना रंग लाएगा। अगर आपने यहां तक वीडियो देखी है तो हमारे सवाल का जवाब जरूर दें कि सरकार ने जो 2047 तक भारत की ऑयल इंडिपेंडेंसी का सपना देखा है वो पूरा हो पाएगा या नहीं। हाँ या ना में कमेंट सेक्शन में अपना जवाब जरूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक बटन जरूर दबा दें और वीडियो को शेयर कर दें। जय हिंद, धन्यवाद।